60 रुपए का 300 का लोन का पैसा है। अच्छा अच्छा, वो कितना 9,000 का महीने कटता है? उसमें कितना का लोन पास हुआ था? 5 लाख का ना, 9,000 का महीना कटता है। दोनों गाड़ी पे चलाते हैं, दोनों वाले गाड़ी पे चलाते हैं। जैसे तो है इस तरह से पिछाई किया गया, इसी तरह से। अच्छा, कैसे जबरदस्त तरीके से आपको सुगंध कितना है? खुशबू देखिए ना इसका। खुशबू की बात किया जाए 15-20 किलो आराम से निकाल देते हैं। मतलब जहाँ चाहिएगा वहाँ उठा कर रख सकते हैं। इसका कोई फाउंडेशन वगैरह की इसमें कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ। दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनोखा बिजनेस आइडियाज में। दोस्तों आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है, कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा शेड लगा हुआ है और यहाँ पे एक छोटा सा लघु उद्योग लगाया गया है, काफी अच्छे तरीके से रन करता है। जैसे कि हमने आप लोग बराबर वीडियो दिखाते रहिए, ये मशीन लगाइए, ऐसे मार्केटिंग कीजिए, ऐसे परचेजिंग करिए, ऐसे सेल करिएगा, काफी अच्छा से अच्छा मुनाफा कमाइएगा, उसी चीज को ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आज हम दिखाने वाले हैं। देखिए ये है कालिंदी इंटरप्राइजेस, यहाँ पे इस तरह से इन्होंने लगाया है, एक पोलराइजर मशीन लगाया है और कैसे मार्केटिंग करके पैकेजिंग करके मार्केट में सेल कर रहे हैं और काफी अच्छा से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आज इन्हीं से मिलते हैं, यहाँ के कर्ता धरता ये आपको बताएंगे कि कैसे इन्होंने ये सब मुकाम हासिल किया और कैसे ये ब्रांड अपना लॉन्च कर रहे हैं, मार्केट में लॉन्च किए हैं और चला रहे हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले बताइए हमारे व्यूअर को, अब जो लोग जिस लोकेशन में खड़े हैं इसका एड्रेस क्या है हमारे व्यूअर को? अरेराज चौक सब्जी मंडी। सब्जी मंडी बिहार में पड़ता है दोस्तों, मोतिहारी जिला। बिल्कुल, ये क्या है कालिंदी इंटरप्राइज के बारे में सबसे पहले? मेरा ब्रांड है। मेरा ब्रांड है, क्या क्या करते हैं इसमें, क्या क्या बेचते हैं? मैं चना का सत्तू बेसन सभी मसाला वगैरह पीस करके रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये सब का आपको आइडिया कहाँ से आया, मतलब जिस तरह से पैकेज? आइडिया मैं देखा यूट्यूब पर। यूट्यूब पर क्या देखे? यूट्यूब पर, यूट्यूब पर देखा की भारत स्टोर्स और महुआ में है। मैं देखा बिल्कुल, और उस पर नंबर था। बिल्कुल, तो कोई गुप्ता जी करके उनसे कांटेक्ट किया। बिल्कुल, हम बोला चलो बात करते हैं, कांटेक्ट किया तो उन्होंने एक बार बुलाया। बिल्कुल, मैं वहाँ पर गया तो बहुत बड़ा हाई फाई एकदम कारोबार था। बिल्कुल, मैंने अपना बात उनको बताया, उन्होंने बड़ी शालीनता से मुझे समझाया। बिल्कुल बिल्कुल, मशीन तो इससे भी बहुत बड़ा बड़ा, बहुत छोटा छोटा था। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैंने अपने काम लगे इस 10 HP के मशीन, 10 HP का मशीन, यही मशीन मंगवाया वहाँ से। हाँ, यही, ये भी मसाला वाला और हाल वाला। बिल्कुल, दाम हुआ। बिल्कुल, बोले ठीक है मैं आपके खाते में पैसा भेज दूंगा। बिल्कुल, मैंने पैसा भेज दिया। बिल्कुल, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन अपनी गाड़ी से मशीन मेरे पास भिजवा दिया। अच्छा, फ्री में करवा दिया? हाँ, ट्रांसपोर्टेशन का एक पैसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ड्राइवर को भी 10 रुपया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, और जो दाम बताए थे उसमें 10-15 हजार रुपया, मतलब उसे भी डिस्काउंट मिल गया। हाँ, लौटा भी दिए थे, गाड़ी वाले से भेज भी दिए। बिल्कुल, मतलब 15 हजार यहाँ कमी हो गया, साथ में फ्री में ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिला। बिल्कुल, और मशीन में देखिए जो मशीन है ना, बिल्कुल इसको आप भी जहाँ चाहिएगा वहाँ उठा कर रख सकते हैं। इसका कोई फाउंडेशन वगैरह की इसमें कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक सेट जो लगा है, इसमें मेंटेनेंस 0% है। बिल्कुल बिल्कुल, एक पैसा का, मतलब 1.5 साल से ज्यादा हो गया हमको चलाते हुए। बिल्कुल, इसमें मेंटेनेंस नहीं है। बिल्कुल, 0% मैंने 1 रुपया का भी मेंटेनेंस नहीं, इसमें वो मेंटेनेंस लायक कोई चीज ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, वो लोग जो बताते हैं पत्थर वाली चक्की में, नहीं नहीं, वो तो बेकार, वो तो बेकार है, उसमें तो पत्थर घिस जाता है तो फिर 5-6 हजार का पत्थर लगता है। बिल्कुल, बार बार टुंगवाना पड़ता है। बिल्कुल, तो जो टुंगने आता है उसको 2-4 500 रुपए देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, फिर टुंगाई करने के बाद 5-10 किलो अनाज बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सब इसमें नहीं। इसका आटा बहुत बढ़िया, इसलिए कि चोकर युक्त आटा है। चोकर युक्त, चोकर उसमें रहता है ना, कहाँ जगह है कहीं चोकर निकल। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आटा यहाँ से पिसाई हुआ फाइनली प्रोडक्ट इसमें डाली है। बिल्कुल, यहाँ से इसको जितना लोड देना है यहाँ से आकर के जो है आटा इसमें, और ठंडा आटा निकलता है। ठंडा आटा निकलता है, इसका जो गर्म हवा है ना, इसको जब चालू कीजिएगा तो ये लंबा हो जाएगा, इसमें से गर्म हवा बाहर निकलता है। अच्छा, यहाँ से गर्म हवा निकलता है ना, नीचे से भी गर्म निकल, आटा ठंडा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, प्रोडक्शन की बात करें तो वहां पे गए थे आपको कितना, मतलब कितना केजी प्रोडक्शन घंटे का बताया गया था? हमको गुप्ता जी बताए थे 1 क्विंटल के लगभग, 1 क्विंटल 1 घंटे में। हाँ, लेकिन हम 1 क्विंटल 15-20 किलो आराम से निकाल देते, मतलब जितना बताया उससे ज्यादा निकल रहा। हाँ, तो देख सकते 10 HP का, अभी आपको हम ग्राइंड रिपोर्टिंग करके बता रहे हैं कि देखिए 10 HP का है। बिल्कुल, और इसमें कोई तामझाम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारा तो मैंने 1 क्विंटल से ज्यादा निकलता है, 1 क्विंटल 20 किलो 15 किलो 10 किलो
गेहूँ पर भी डिपेंड रहता है, जो गेहूँ थोड़ा ज्यादा सूखा नहीं रहता है सो एक क्विंटल 10 किलो 5 किलो आता है, जो गेहूँ पूरा सूखा हुआ है वो 20 किलो तक आ जाता है। आटे का क्वालिटी किस तरह का रहता है? आटे का क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है, जैसे दोस्तों आटे का क्वालिटी की बात किया जाए, देख सकते हैं दूध वाला आटा एकदम, देखिए देखने में आपको मैदा की तरह एकदम लग रहा होगा, देख सकते हैं प्रॉपर वे में इस तरह से पिसाई किया गया इसी तरह से। अच्छा कैसे कैसे मतलब सेल करते हैं आप? देखिए ये चना का सत्तू है, चना का सत्तू यही से पिसाई किया? हाँ, चना का सत्तू भी निकाल लेते हैं। हाँ, सब चीज निकलेगा इससे। चना का सत्तू भी है, चना के जो चाहिए एकदम महीन आपको इस तरह से होने वाली। अच्छा वहाँ से मतलब टोटल कितना मशीन मंगवाए थे आप? मैं एक ठो लाया था यही वाला, और ये हालर लाया हूँ। हालर भी लाए थे? अच्छा देख सकते हैं, गेहूँ है ना, एक गेहूँ हालर कर दो, हाथा करके दिखा दीजिए, देखिए देख सकते हैं प्रॉपर वे में यहाँ इसमें कोई लफड़ाई नहीं लगाया गया है। अब देखिए डब्बा यहाँ लगाया, बिल्कुल देखिए ये छोटा हालर मशीन है, देख रहे हैं कितना कचरा है गेहूँ में, सब देख रहे हैं कचरे की बात, देखिए देखिए मिट्टी दाना सब वगैरह इस तरह से देख रहे हैं ना, बिल्कुल। अब इसको मैं देखिए वहाँ से स्टार्ट करेंगे, कचरा बाहर निकल गया, बाकी देख सकते हैं यहाँ से जो आपको यहाँ से कचरा वगैरह का बाहर होने वाला है, अब देख सकते हैं इस तरह से जो है गेहूँ का हालत आसानी से हो रहा है ऊपर में, और ये करने के बाद बैन हम उसके सफाई करेंगे यहाँ पे कढ़ाई में लाएंगे, और सफाई करके दिखाएंगे कि सफाई की किस तरह का होने वाली है, हाथों में डाल दिया है और यहाँ पे हो चुका है। बाकी थोड़ा इधर दिखाइएगा, एक बार देख सकते हैं यहाँ से आपको किस तरह से कचरा वगैरह है, जो भी गंदा वगैरह है इस तरह से, जो भी इधर से पोकर में एकदम निकल रहा है, देख सकते हैं काफी फ्रेश है, गेहूँ का हलरी हो चुका है। बैन देखिए, और यहाँ से जो मशीन स्टार्ट करेंगे, हमें मशीन स्टार्ट कर चुके हैं यहाँ से, और इस गेहूँ को यहाँ पे इसमें डालेंगे, देख सकते हैं प्रॉपर में आपको इस तरह से डालने वाले हैं, और फिर स्टार्ट हो चुका है, और बाकी देखिए यहाँ पे जो लाइट फ्राई करके दिखा रहे हैं यहाँ से जो है, और गेहूँ देना शुरू हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है, बाकी देख सकते हैं जा रहा है यहाँ से गर्म हवा निकल रहा है ना, गर्म ठंडा आता है, देख सकते हैं यहाँ से हार्ड हल्का हल्का गर्म होने वाली है। बाकी आटा की क्वालिटी की बात करें तो आटा आपको पूरे ठंडा यहाँ से निकलने वाली। कितने नंबर की जाली पे चलाते हैं? दो नंबर की जाली पे चलाते हैं, उन्होंने अच्छा अच्छा खाना वगैरह सब खिलाया समझाया, वो तो बहुत बड़ा गोदाम है, बहुत बड़ा, इससे बहुत बड़ा बड़ा मशीन रखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, इससे छोटा भी है, इससे बहुत बड़ा भी है, घर काम के लिए भी छोटा छोटा मशीन है, बिल्कुल। तो आप इस बिजनेस से पूरे पूरे खुश हैं ना एकदम? हाँ बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, हम इसलिए 2425 का गेहूँ लाता हूँ, 2400 का यहाँ पर, बिल्कुल और आटा अपना पीस करके 5 किलो का पैकिंग 160 रुपये में देता हूँ। अच्छा 5 किलो पैकिंग करके मार्केट में सेल कर दे सकते हैं? 5 किलो का पैकिंग है, 5 किलो का 160 रुपये में, 10 किलो का 315 रुपये, 10 किलो का। अच्छा आस पास के लोग ला करके पिसाई करते हैं? हाँ, जो एक बार ले जाता है ना दोबारा यहीं लेता है। अच्छा दोबारा कस्टमर भी आते हैं? अच्छा नए नए में जब यहाँ पे लाए तो मार्केटिंग करने में दिक्कत भी हुआ था क्या? नहीं होता, ऑटोमेटिक बात पसर गया, बिल्कुल बिल्कुल, एक हम आपसे बोले आप उनसे बोले उनसे बोले, और पैसे का मतलब कितना कितना पैकेट निकल जाता है यहाँ से? 2 क्विंटल तक आता मैं सेल कर दूँ, 2.5 क्विंटल खुदरा मिल जाता है, ये सब क्या है प्रॉपर मैंने लगाए हुए हैं लगभग। अच्छा अगर मान कर लिया अभी तो इससे आपको पूरा पूरी हो रहा है कि इससे बड़ा प्लांट लगाने का भी प्लान है? मैं बड़ा प्लांट लगाऊंगा, इससे पूरा पूरी नहीं हो रहा है, ये हमको छोटा पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है, इससे बड़ा प्लांट लगाने का इच्छा है, देख सकते हैं प्रॉपर में पिसाई आपका शुरू है। बाकी उधर मसाला मिल भी लगाए हुए हैं ना? हाँ मसाला भी बेचता हूँ। सब साथ ही में लाए थे कि आगे? एक साथ लाया था, एक ही साथ सभी लाए थे। इसको लगाए हुए कितने दिन हो गया? लगभग 1.5 साल, 1.5 साल हो गया। देख सकते हैं दोस्तों साउंड जो है हो चुका है, जैसे खत्म हो चुका है, बाकी देखिए अभी लाइव जो पिसाई किए हैं उसका क्वालिटी आपको दिखाते हैं, क्वालिटी किस तरह का होने वाली है, दिखाइएगा क्वालिटी किस तरह का होने वाली है, देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से इनका खुद का ब्रांडिंग, देख सकते हैं, देखिए दोस्तों क्वालिटी काफी जबरदस्त आपको इस तरह से। चोकर युक्त है ना, इसमें से चोकर कुछ नहीं निकला है, चोकर युक्त रहता है ना,
अच्छा, जो लोग इस तरह का प्लांट लगाना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहिएगा? देखिए, मैं हम तो सक्सेस से, हम गुप्ता जी के पास से लाए हैं महुआ से। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पर किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे आदमी। बिल्कुल। बाकी ये सब जो मार्केटिंग, जो मतलब परचेजिंग किए हैं, झोरा वगैरह जो प्रिंट करवाए हैं, ये सब कैसे कैसे करवाए हैं? ये तो यूट्यूब पर ही मिला, तो वो भी यूट्यूब पे ही देखे थे ना, तो वहीं से करवा लिया आसानी से। बाकी देख सकते हैं बाकी, और थोड़ा मसाले का क्वालिटी दिखा दिए, जो मसाला पिसाई करते हैं वो वाला। जैसे दोस्तों यहाँ मसाला भी जो है, मतलब कौन कौन चीज का पिसाई करते हैं? सिलाई करते हैं। क्या चीज? ये सिलाई मशीन है ना, देख का सिलाई देख सकते हैं, ये काफी छोटा इस तरह से होने वाली है। आप भी अपने घर से आसानी से इस तरह का लघु उद्योग लगा सकते हैं और काफी अच्छा। देखिए मर्चा है, मर्चा है ना, देख सकते हैं मर्ची का क्वालिटी की बात की जाए तो काफी। मेन चीज मसाला में है ना, ये चक्की हाई से कुछ कर पिसता है। बिल्कुल। तो इससे मसाला टेस्टफुल होता है। बिल्कुल। चक्की में तो जल जाता है। बिल्कुल। और इसमें तो जलने का कोई चीज नहीं है। देख सकते हैं धनिया का क्वालिटी की बात किया जाए, आप देखिए ये मसाला का क्वालिटी देखिए, देख सकते हैं यार, काफी जबरदस्त तरीके से आपको सुगंध कितना है। खुशबू देखिए ना इसका, खुशबू की बात किया जाए तो वाकई में सेंट है, मतलब शुद्धता की बात किया जाए तो शुद्धता आपको यहाँ पे 100%। अच्छा, कुछ मिलावट वगैरह भी करते हैं कि मतलब पूरा फुल शुद्ध बेचते हैं? नहीं, अब देखिए, अब पिसने लायक मैं मसाला रखा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मिलावट नाम की कोई चीज नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे, अब जैसे कि मैं ये रखा हूँ जीरा मरीच। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, इसमें दूसरा कुछ नहीं, देख सकते जीरा मरीच धनिया पूरा फ्रेश आपको, हाँ फ्रेश करके मिलने वाली है। और सब पैक लाता हूँ, जैसे की धनिया का बोरी है। बिल्कुल, इसको बढ़िया से सर सफाई वगैरह करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब भी ऐसे ही मतलब किलो पर, ये भी पैकेट में बना करके मार्केट में? नहीं, ये तो ऐसे ही लूज बेचता हूँ, पैकिंग तो नहीं करता हूँ, लेकिन अब पैकिंग करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों अगर आप भी, अच्छा जो लोग अपने घर में इस तरह का रोजगार लगाना चाहता है उनको क्या कहना चाहिएगा? बस कहीं मत जाइए, गुप्ता जी के पास जाइए। बिल्कुल, वो बहुत अच्छे इंसान आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल। फोन वगैरह उठाते हैं ना, कॉल वगैरह? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मान चलिए अब आप 150 चला रहे हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हुआ? नहीं, कोई तरह का दिक्कत होता माने कॉल वगैरह करते हैं, टाइम से उठा लेते मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं हम महीना में एक बार दो बार मैं बात कर लेता हूँ, चाहे ऐसे जो दोस्त लोग है। बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों को बोलता हूँ कि आप मेरा नाम लेकर के बात कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेन चीज है, जो हमसे वो दाम बताए थे ना, उसमें से भी 10-15 हज़ार रुपया कम लिए। मैं गया था तो उन्होंने बहुत रिगार्ड्स दिया, प्लस डिलीवरी भी फ्री में करवा दिया। हां, डिलीवरी फ्री में करा दिया, को प्लस पॉइंट हो जाता है। 15 हज़ार रुपया टोटल पैसा में से 15 हज़ार रुपया, और चलिए भैया ब्राह्मण आदमी है। दोस्तों अगर आप भी इस तरह का प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्प्ले पे नंबर फ्लैश कर रहा है उस पर कॉल करिए, बात करिए, अपने घर में आसानी से आपका जो है, जहाँ पे जगह, गाँव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, काफी छोटे कस्बे में रहते हैं, वहां भी आसानी से इस तरह का प्लांट लगा सकते हैं और काफी अच्छा से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और देखिए जैसे कि हमने आपको दिखाया लाइव पूरा पिसाई करके, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा। इसमें मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेनेंस नहीं, एक पैसे का कोई टेंशन नहीं है। आपने देखा ना, आपके सामने हालर हुआ है। बिल्कुल, एक बटन से मशीन चल, और चलाना भी कोई खास जो है हार्ड नहीं है, काफी नॉर्मल है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये सोचा कि चलो भाई ये जगह है, क्या करूं, बेकार टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो पहले पर देखा, नहीं कोई एक्सपीरियंस, यूट्यूब पर देखा और उन्होंने, गुप्ता जी ने हिम्मत दिया। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे गया, सब कुछ लेके आ गया, सब कुछ ठीक ठाक। 9,000 का महीने का ईएमआई भरता हूँ। बिल्कुल। बाकी पीएम जी का लोन का पैसा है। अच्छा अच्छा, वो कितना 9,000 का महीने कटता है? उसमें कितना का लोन पास हुआ था? 5 लाख का ना, 9,000 का महीना कटता है उसमें, इसी से भरते हैं। हाँ, इसी से भरते हैं। अपना मेंटेनेंस भी चल रहा है। अपना मेंटेनेंस है सर। दोस्तों आपको भी अगर बिहारी उद्यमी, जैसा कि अभी एक तारीख शायद फॉर्म फिलअप होने वाला है, साथ में पीएम ईजीपी हो गया, चाहे प्रधानमंत्री हो गया, इसके अलावा बहुत सारा सरकारी योजना चलाती है, तो आप ये सब सेटअप लगाना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे नंबर फ्लैश कर रहा है, कॉन्टेक्ट करिए, बात करिए, आसानी से ये सब सेटअप लगा सकते हैं। तक इतना ही, मिलते हैं किसी के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।